यह है कांग्रेस ग्रास, अलेंटेना भी बोलते हैं शायद इसको, या फिर गाजर घास बोल देते हैं, और ये बहुत जहरीली है। ये पहले हमारे गाँव में, देहात में ये घास नहीं हुआ करती थी, लेकिन पिछले सालों से बहुत ज़्यादा तादाद में सड़कों के किनारे पे है, और ये हमारे बच्चों को सांस की बीमारियां, स्किन की, चमड़ी के रोग, आप देख लेना जो लोग इसको उखाड़ते हैं उनको चमड़ी का रोग हो जाता है। इसका बस एक तरीका है, इसे जड़ से कब उखाड़ा जाए, जब इसके फूल ना आए हों। और अब जैसे ये बड़ी हो चुकी है तो इसको जो भी उखाड़ेगा, कोई भी भाई इसको उखाड़ेगा, वो अगर कोई भी भाई उखाड़ेगा उसको स्किन की, चमड़ी का रोग होगा होगा, और भी कोई बीमारियां होंगी। तो सरकार को यही चाहिए होगा कि इसके ऊपर स्प्रे करे, स्प्रे से ये इस बार तो जल जाए, और जब बिल्कुल छोटी छोटी हो, अर्थात ये देखिए जैसे अभी इसके फूल नहीं आए, इस पौधे के अभी फूल नहीं है, छोटे छोटे हैं, इनको अगर छोटे छोटे मतलब अभी इनको उखाड़ दें, जड़ से उखाड़ के सुखा दें और फिर चला दें, तब ये धीरे धीरे ख़त्म हो सकती है। लेकिन अगर जैसे फूल हैं और इसको उखाड़ देंगे तो ये इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो ग्रास है ये ऐसा माना जाता है, ये जो एक एक इसका जो फूल है, ये देखिएगा, एक जो पौधा, एक फूल है जो इसका 3000 पौधों को जन्म दे सकता है। और भी बहुत बहुत ही मतलब खतरनाक पौधा है ये, इससे बचाना भी पड़ेगा, नहीं तो हमारे बच्चे बीमारियों से दुखी हो जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बीमारियाँ और इन्फेक्शन का कारण है।